भाई टोक होली का त्यौहार मनाने के अपने अलग अंदाज के कारण पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ की होली भी काफी खास है। जिले में गुर्जर समुदाय का होली खेलने का तरीका काफी अनोखा है। यहाँ धुलैंडी के दिन कोड़ामार होली खेली जाती है। धुलैंडी के दिन शहर के हीरा चौक में जिले भर के कोड़ामार होली का भरपूर आनंद लेते हैं। मतलब 60 साल हो गए हमारी परंपरा को चलते हुए, और हमारे गुर्जर समाज के पूरे पांचों पल्सों के आदमी आते हैं, यहाँ पे औरतें आती है, और खूब अच्छी तरह से मजे लेकर होली मनाई जाती है हमारे यहाँ पर। ये असल में हम लोग गोकुल निवासी हैं, वृंदावन निवासी हैं, और वहीं से ये परंपरा चली आ रही है। वहां से निकल के हम लोग इधर पूरे भारत में फिरे हैं। तो जब से हम यहाँ आए हैं, जब से परंपरागत तरीके से कोड़ामार होली का आयोजन किया जाता है, इसमें प्रत्येक मोहल्ले से व्यक्ति, औरतें सब आते हैं, और अपने जो बियान होती है या रिश्तेदार होती है, भाभी होती है, जिसके ऊपर रंग डाल सकते हैं उसी के ऊपर रंग डालते हैं, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं डाला जाता है। ये क्योंकि ये प्रेम का रंग है, और प्रेम का रंग प्रेम से ही डाला जाता है, और इसी प्रकार ये हर साल हम ये करते हैं और करते रहेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि बरसों से जैसे यहाँ सोलंकियों का रास्ता, जिस टाइम सोलंकी, गुर्जर और यादव और ब्राह्मण चार कौम आई थी, जब से ये परंपरा चली आ रही है बरसों से, जब से टोंक बसा, जब से टोंक शहर और कस्बे में दो तीन परंपरागत होली मनाने के तरीके हैं, उसमें से एक तो सवारी है और दूसरा ये कोड़ामार होली, और शाम को मेला होता है, तो जो जहाँ पर भी आवश्यक है, ताकि जो भी जो लोग हैं सब मिलजुल के अच्छे से होके उत्साहित होकर अपना त्यौहार मना सके, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी होड़दंगबाजी नहीं हो, बदमाशी नहीं हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने पिक्स पिकेट्स भी लगा रखी हैं, लगातार गश्त और SHOs भी लगा रखे हैं, ताकि सभी लोग शांतिपूर्वक अपने हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मना सके।